आज आप लोगों का जो कल का टॉपिक जहां समाप्त हुआ था उसी के बाद शुरू करते हैं। वेग के प्रकार, वेग निम्नलिखित प्रकार के हैं, देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है एक समान वेग, एक समान वेग। एक समान वेग की अंग्रेजी लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद दूसरा होता है असमान, असमान वेग। असमान वेग की अंग्रेजी है नॉन यूनिफॉर्म। और इसमें तीसरा जो इसका वेग का प्रकार है उसे बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग एवरेज एवरेज वेलोसिटी। और एक और है जिसे सापेक्ष वेग, सापेक्ष व निरपेक्ष। सापेक्ष या निरपेक्ष वेग, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, या लिख लीजिए अब। इसमें पहला है एक समान वेग। एक समान वेग किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे, इसकी परिभाषा और जो भी इसमें जितने भी तथ्य हैं सबको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक समान वेग। देखिए इसके पहले आप लोगों को बताया गया एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। और चाल और वेग में बस इतना सा अंतर है कि चाल में दूरी आती है और जो वेग आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें आएगा विस्थापन। तो इसकी परिभाषा लिखिए, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में, एक चीज़ और इसमें दिशा निश्चित होनी चाहिए क्योंकि यह सदिश राशि है इसलिए दिशा को भी लेकर चलिए। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। अब देखिए एक समान का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, इधर कौन सी दिशा होती है बताइए,
दिशा के लिए देख लीजिए कहाँ कहाँ कैसा प्रयोग करेंगे। ऊपर जो होता है उत्तर होता है उत्तर, और नीचे दक्षिण, और दाहिने हाथ की ओर पूरब होता है, और इधर होता है पश्चिम, या ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, या फिर नॉर्थ साउथ। अब देखिए पूरब की ओर एक कार यहाँ बिंदु ओ से चलती है, कहाँ से चलती है, बिंदु ओ से। एक घंटे में ये जाती है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और घंटा पूरा एक लेती है, या फिर समय पूरा एक घंटा लेती है, और दूसरे घंटे में फिर 50 किलोमीटर जाती है, 50 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, चौथे घंटे में फिर 50 किलोमीटर। अब बताइए एक घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर, चौथे घंटे में 50 किलोमीटर, लेकिन दिशा किधर है, पूरब की ओर, किधर जा रही है, पूरब की ओर। अब बताइए दिशा कन्फर्म हो गई और विस्थापन दिया इसका, 50 किलोमीटर पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर, चौथे घंटे में 50 किलोमीटर। ये विस्थापित होती है, विस्थापित होने का मतलब इनके इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है 50 किलोमीटर है, इनके इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है 50 किलोमीटर है। तो अब निकालिए इसका वेग, वेग को वेक्टर v से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला वेग निकालते हैं, ए की स्थिति मान लीजिए ए पर है, ये बी पर है, ये सी पर है, ये डी पर है। तो अब इसको मान लेते हैं ए पर जो वेग होगा इसका क्या होगा, वी ए यानी ए तक का वेग निकाल दीजिए, तो वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन कितना है 50 है, 50/100 कितना है एक घंटा, यानी एक कर देंगे तो आ जाएगा 50, 50 का जो मात्रक है किलोमीटर है, और ये समय का मात्रक घंटा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और वी बी निकालेंगे दूसरा वाला यानी दूसरा वेग, इसको निकालेंगे तो ये भी आएगा 50/1, क्योंकि 50 किलोमीटर चलता है एक घंटे में, तो चलने का मतलब 50 किलोमीटर विस्थापित होता है, अपने स्थान से 50 किलोमीटर दूर चला जाता है हर घंटे में, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें भी आ गया। इसी प्रकार से वी सी निकाल दीजिए, वी सी निकालेंगे तो इसमें भी 50/1 आएगा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा किधर जा रही है, यहाँ दिशा भी प्रदर्शित किया गया है, देखिए वेक्टर लगा है, इसका मतलब दिशा इसकी निश्चित है, और दिशा किधर है, इस चित्र से स्पष्ट है कि पूरब की ओर है। अब वी डी निकाल दीजिए, इसका मान आता है 50/1, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मात्रक कहाँ से आता है देख लीजिए, जो भी मात्रक यहाँ दिया हो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी होगा उसे रखते जाएंगे तो मात्रक जो वेग का होगा या चाल का होगा, जिसका भी निकालेंगे आप उसका मात्रक निकल जाएगा। अब ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50, यानी सब 50, तो बताइए वेग कैसा हुआ, समान हुआ। इसका मतलब जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में, दिशा क्या होगी, निश्चित होगी, निश्चित दिशा में समान समान समय अंतराल पे, यानी जितना जितना समय रहेगा उसी समय के अनुसार समान समान विस्थापन प्राप्त करेगी, या फिर समान समान विस्थापित होगी, तो उसके वेग को एक समान वेग कहेंगे। इस प्रकार से आपका ये जो पहला वेग है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये समाप्त हुआ। इसका उदाहरण इसको बना लीजिएगा, एग्जाम्पल ये बताया गया है इसको समझने के लिए कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। किसका एक समान वेग, वस्तु का, यानी जो भी वस्तु यहाँ चलेगी, मान लीजिए ये कार थी, ये क्या थी, एक कार है, तो कार का एक समान वेग क्या होगा,
50 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर। अब इसके बाद दूसरा वेग है असमान वेग। असमान वेग ये दूसरा पॉइंट इसका, असमान वेग। तो इसे नोट कर लीजिएगा, अब इसको इरेज करते हैं। असमान के लिए यहाँ नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या था, दिशा निश्चित थी, दिशा क्या है निश्चित है, और जो दूसरा होगा उसमें दिशा निश्चित हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इसका विस्थापन है अलग अलग होना चाहिए। दिशा निश्चित हो या ना हो, दिशा बदलने का मतलब पूर्व जा सकती पश्चिम जा सकती इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन जो विस्थापन है ये समान नहीं होना चाहिए। विस्थापन अगर समान है तो समझ लीजिए कि एक समान हो जाएगा, और अगर विस्थापन समान नहीं रहेगा तब उसे असमान वेग कहेंगे। अब देखिए इसकी परिभाषा इसी में बना देते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, यहाँ दिशा से कोई मतलब नहीं है, दिशा को लिखो या ना लिखो कोई लेना देना नहीं है, विस्थापन है तो दिशा स्पष्ट हो जाएगी विस्थापन से ही। तो चलिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में तय किए गए भिन्न भिन्न विस्थापन, तय किए गए भिन्न भिन्न विस्थापन को क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। तय किए गए भिन्न भिन्न विस्थापन, भिन्न भिन्न विस्थापन को असमान वेग कहते हैं, असमान। तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा केवल परिवर्तन किया गया है। दिशा देखिए निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। अनिश्चित का मतलब दिशा बदल सकती है, पूर्व जाएगा पश्चिम जाएगा उत्तर चला गया दक्षिण चला गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो दिशा निश्चित हो या ना निश्चित हो उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग चाहें तो इसको इसमें ना जोड़ें तब भी सही होगा, यानी दिशा को इसमें नहीं जोड़ेंगे तब भी सही है, क्योंकि विस्थापन तो यहाँ लिखा गया है, विस्थापन तो बताएगा ही, उत्तर जा रहा है दक्षिण जा रहा है कि पूर्व पश्चिम। अब देखिए इसके लिए जो एग्जाम्पल है उसे बताते हैं। मान लीजिए एक कार है, वो पहले घंटे में कितना जाती है 50 किलोमीटर, और दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर चली गई, और तीसरे वाले में 60 चली जाती है, चौथे वाले विस्थापन की स्थिति में इसका जो विस्थापन है 70 किलोमीटर है। अब क्या करेंगे, इन सबको निकालिए जिस प्रकार से पहले वाले के लिए निकाले थे एक समान के लिए। तो यहाँ 50 आ गया, ये तो ठीक है, ये जैसे था वैसे रहेगा, और दूसरा क्या है 80 है, तो यहाँ 80 हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा कितना है, तीसरा 60 है, तो इसे क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और चौथा है 70, तो यहाँ 70 कर दीजिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया क्या असमान वेग के लिए इसका एग्जाम्पल है। अब बताइए, पहला वेग 50 है, दूसरा वेग 80 है, तीसरा वेग 60 है, और चौथा वेग कितना है 70 है, तीनों में कोई बराबर है, कोई बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि असमान वेग में वेग अलग अलग होंगे। वेग क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। जब एक हो गए तो एक समान वेग, और जब अलग अलग रहेंगे तो असमान वेग। इस प्रकार से इसको भी नोट कर लीजिएगा, असमान वेग आपका हो गया। अब तीसरा पॉइंट है औसत वेग। तीसरा पॉइंट क्या है,
औसत वेग। तीसरा वेग का जो प्रकार है औसत वेग, अंग्रेजी में इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। औसत वेग का मतलब किसी वस्तु द्वारा, इसमें देखिए दो स्थितियां हैं, स्थितियां दो प्रकार की हैं। जब दिशा कई होगी, दिशा कई होगी तो जितने विस्थापन हुए सबको जोड़ दो और जितना समय लगा है सबको जोड़ दो, विस्थापन वाले में समय वाले से भाग कर दो, यानी विस्थापन बटे समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये क्या होगा औसत वेग होगा। और एक स्थिति ऐसी होती है जब एक कई दिशा में जाता है सीधा सीधा, कितनी दिशा में, केवल एक दिशा में, जैसे अभी एग्जाम्पल असमान वेग का बताया गया, समान वेग का बताया गया, उसमें जब दिशा एक रहेगी तब प्रारंभिक वेग में अंतिम वेग जोड़ करके दो से भाग कर देंगे, प्रारंभिक वेग में अंतिम वेग को जोड़ करके दो से भाग कर देंगे। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए औसत वेग को, इसकी दो स्थितियां हैं, जब दिशा भिन्न भिन्न हो, पहली स्थिति में बताते हैं औसत वेग के लिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और कुल समय, यानी जितना समय लगेगा, कुल समय के अनुपात को कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। नोट करिएगा इसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये दिशा अलग अलग रहेगी, इसमें वेग की दिशा अलग अलग होगी, इसके लिए क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ O पर, प्रारंभिक अवस्था O पर है, यहाँ से ये क्या करती है, किधर जाती है, पहले नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण की ओर चलती है 20 किलोमीटर, कितना चलती है 20 किलोमीटर, और यहाँ से फिर ये देखिए एक घंटा लेती है, यहाँ कितना समय लेती है एक घंटा, और फिर यहाँ से ए पर पहुँच गई, ओ से ए पर पहुँच गई, अब ए से जब चलना शुरू करती है तो बी पर कहाँ पहुँचती है, बी पर, और बी पर पहुंचने में इसे दो घंटा लगता है, कितना घंटा, दो घंटा लगता है, और दूरी 30 किलोमीटर तय करती है, 30 किलोमीटर, यहाँ KM लिखा गया, KM का मतलब किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और फिर मान लीजिए यहाँ से ऊपर की ओर यानी उत्तर की दिशा में चली गई, तब क्या होगा, यहाँ पहुँच गई मान लीजिए,
और ये कितना है, 20 किलोमीटर, और समय है इसका 1 घंटा। 1 घंटा भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा कहे वो ले सकते हैं, समय की कोई बाध्यता नहीं है। तो एग्जाम्पल बताया जा रहा है और इस प्रकार से सवाल भी आपको मिलेंगे तो उनमें प्रयोग करना पड़ेगा इसका। अब बताइए यहाँ पर सी पर इसका वेग कितना है और ओ पर कितना है, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद दोनों को नहीं यार, ये कौन सा है, औसत वेग का पहली स्थिति है ना, इसमें दिशा अलग अलग है, तो इन सब को जोड़ लो, यानी कितना विस्थापन कुल हो रहा है, कुल विस्थापन कितना हो रहा है, कुल विस्थापन 20, 10, 30, फिर 20 वापस हो गया, तो कितना होगा यहाँ से, मात्र 30 किलोमीटर, कितना विस्थापन हुआ, कुल विस्थापन यही है। देखिए इनके बीच की न्यूनतम दूरी, अब देखिए ये 20 था, ये भी 20 है, ये 30 था, तो यह 30 होगा, किधर गया है, उत्तर की ओर, यहाँ किधर गया था, नीचे पश्चिम है, पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम से दक्षिण से पश्चिम, और पश्चिम से फिर उत्तर की ओर, तो इनके बीच का कुल विस्थापन जो होगा 30 होगा, कुल विस्थापन का मतलब इनके अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो लंबाई है, ये लंबाई है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कैसे है? देख लीजिए, यहाँ से दक्षिण दिशा में गया था 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर गया, फिर बी पर पहुँचने के बाद यहाँ से पुनः 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला गया, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये वाली भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, इसलिए ये जब 30 दिया गया है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो औसत वेग निकालेंगे, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन 30 किलोमीटर, कुल विस्थापन बटे कुल समय कितना है, समय देखिए 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, यानी कुल मिला के 4 घंटा लेता है, कितना, 4 घंटा। तो 30 में 4 से भाग करिए, 4 × 7 = 28, दशमलव लगेगा, 4 × 5 = 20, इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या निकलेगा, औसत वेग। औसत वेग को एवरेज ए वी जी यहाँ लगा देंगे, इसका मतलब औसत वेग कितना आ गया, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो जब दिशा अलग अलग है, औसत वेग का दूसरा एक रूप होता है जिसमें दिशा निश्चित होती है, दिशा निश्चित रहेगी, एक कई दिशा में जब जाएगा तब औसत वेग क्या होगा। तो दूसरा, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, औसत वेग का दूसरा पॉइंट, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, दूसरा पॉइंट, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, दिशा क्या होगी, निश्चित दिशा में तय किए गए अंतिम विस्थापन अंतिम
विस्थापन और प्रारंभिक विस्थापन। प्रारंभिक विस्थापन के औसत को औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, देखिए निश्चित दिशा का मतलब कोई वस्तु ओ से चलती है ए पर, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, चार स्थितियां इसकी हैं। तो पहली स्थिति, एक घंटे में मान लीजिए 70 किलोमीटर, और दूसरे घंटे में यहाँ जो दूसरा वाला घंटा है इसमें चलती है 50 किलोमीटर, और तीसरे वाले घंटे में 75 किलोमीटर, चौथे घंटे में 80 किलोमीटर। अब इसमें कुछ करना नहीं है, केवल पहला वाला वेग निकाल दीजिए और अंतिम वाला वेग निकाल दीजिए, इन दोनों का वेग कर दीजिए। क्या लिखे हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए अंतिम वेग, यहाँ पर विस्थापन हो गया है, इसको चेंज कर लीजिएगा, दोनों वेग रहेगा भाई, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के औसत को। तो अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग को निकालिए और प्रारंभिक वेग को। तो पहले इसको निकालते हैं जो प्रारंभिक वाला है, ए बी सी डी, चार स्थितियां हैं। तो वी ए मान लेते हैं प्रारंभिक वाले को, तो वी ए हो जाएगा 70/1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो पहला आ गया। इसके बाद अंतिम वाला वी डी, अंतिम वेग है 80/1 किलोमीटर, इसका मात्रक और इसका घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग 80 किलोमीटर आ गया प्रति घंटा और प्रारंभिक वाला 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका औसत निकालेंगे, औसत वेग, ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, औसत वेग का दूसरा एग्जाम्पल, औसत वेग, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़िए, प्रारंभिक वेग कितना है, वी ए है, वी ए प्लस वी डी अपान, औसत का मतलब जितनी संख्या होती है उतने से भाग करते हैं, तो ये दो संख्याएं हैं इसलिए दो से भाग करोगे, वी ए प्लस वी बी और वी डी बाई टू। वी ए का मान कितना है 70 और वी डी का मान है 80, 70 और 80 जोड़ दो, बटे में दो है, 70 80 कितना हो जाएगा 150, 150 में दो से भाग करोगे, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या निकलेगा, औसत वेग, उस वस्तु का औसत वेग जो एक ही दिशा में या फिर निश्चित दिशा में
निश्चित दिशा में अलग अलग विस्थापन तय कर रही थी। तो इस प्रकार से वेग का तीन पार्ट खत्म हुआ। चौथा है सापेक्ष वेग व निरपेक्ष वेग, इसको नोट करिएगा। अगला पॉइंट, सापेक्ष वेग। निरपेक्ष इसमें देखिए दो वस्तुओं की गति की तुलना की जाएगी। सापेक्ष वेग में एक ही समय पर या एक ही साथ दो वस्तुएं गति करने के लिए छोड़ी जाएंगी, तो उनमें जो वेग होगा उनकी तुलना करेंगे। तुलना में एक का मान अधिक होगा, एक का मान कम होगा, जो अंतर आएगा वही सापेक्ष वेग होगा। तो इसकी परिभाषा लिखिए, एक ही समय में दो वस्तुओं के वेगों में तुलना या फिर अंतर एक ही समय में दो वस्तुओं के वेगों में तुलना एक ही समय में या एक ही समय दो वस्तुओं के वेगों में तुलनात्मक जो अंतर होता है, तुलनात्मक अंतर, अंतर को सापेक्ष वेग कहते हैं। सापेक्ष वेग कहते हैं। इसमें देखो सापेक्ष वेग में दोनों वस्तुएं गति करेंगी, लेकिन इसी में एक दूसरा पॉइंट है निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग में एक वस्तु स्थिर रहेगी और दूसरी गतिशील रहेगी। सापेक्ष वेग को निकालने के लिए मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक दूसरी वस्तु बी है। इसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सापेक्ष वेग निकालेंगे। सापेक्ष वेग तो इसे मान लीजिए वी ए बी किसके सापेक्ष निकालेंगे, ए के सापेक्ष। देखिए जो कम रहेगा उसी के सापेक्ष निकलेगा, तो इसे वी ए बी यानी वी ए बी की जो वैल्यू होगी वी बी माइनस वी ए, ये फार्मूला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मान ज़्यादा रहेगा उसी में से घटाएंगे। जो भी मान यानी वेगों का जो दोनों मान दिया होगा उनमें से जो अधिक रहेगा उसमें से कम वाले मान को घटा देंगे। तो यहाँ पर कौन अधिक है, बी वाला अधिक है, तो बी में से इसको घटाएंगे तो वी ए बी होगा 7 माइनस 5, तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है सापेक्ष वेग। अब इसी में निरपेक्ष वेग की भी परिभाषा लिखिए, इसे नोट कर लीजिएगा। सापेक्ष वेग को
दूसरा पॉइंट इसी में, जब एक वस्तु स्थिर हो, स्थिर हो और दूसरी वस्तु गतिशील हो, गतिशील हो तो पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होगा उसे निरपेक्ष वेग कहें, वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। कहलाता है। यानी केवल एक ही वस्तु गति करेगी, दूसरी क्या होगी, स्थिर रहेगी। तो जो दूसरी वस्तु का वेग रहेगा, जो गति करने वाली वस्तु है, उसके वेग को निरपेक्ष वेग कहेंगे। इस प्रकार से आज का टॉपिक वेग के प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसको नोट करके अपने नोट्स को तैयार करते रहिएगा। धन्यवाद।